गुड मॉर्निंग फ्रॉम निश्नई कैंप साइट। तो केजीएल डे टू और सुबह के बज रहे हैं 7:30। और आज का जो हमारा प्लान है वो है इस ट्रैक का पहला पास क्रॉस करना, निश्नई पास। पीछे दिख रहा है आपको, अभी पास दिखाऊंगा आपको, निश्नई पास क्रॉस करना है। और जो टोटल डिस्टेंस आज हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं करीब 11.5 किलोमीटर का। और विसंसर करके जगह है, वहाँ आज हमारी कैंप साइट होगी। तो ये है हमारा प्लान और पहला पास क्रॉस करना है। और क्या, रात में ठंड थी अच्छी खासी, बारिश भी हुई, बट सुबह वेदर बहुत ही क्लियर। प्रे कर रहे थे कि वेदर अच्छा मिल जाए, क्योंकि अगर वेदर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो पास क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये है हमारा प्लान आज यहाँ से निकल के विसंसर जाने का। बाकी जैसा भी होता है अपडेट आपको रास्ते में बताते हैं। फाइनली एक और पास के लिए कूच कर दिया है, निश्नई पास। और करीब 1 से 1.5 घंटे लगने चाहिए पास तक पहुंचने में। ये देखो, बस जो पीछे दिख रहा है आपको, ये पास क्रॉस करना है मैक्स 1-1.5 घंटे बेस के हिसाब से ग्रुप के। बाकी उसके बाद तो डाउन हिल ही है। तो बोलते हैं निश्नई पास। और पास पे ही यहाँ पे एक मैगी स्टॉल है, मस्त चाय वगैरह पी। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, जैसे ही पास पे चढ़े ठंड एक अलग ही लेवल ले लिया। जो टी शर्ट वगैरह पहने हुए थे फुल ऑन जैकेट में चेंज हो गई। होता है ना, पास पे एक बर्फ हो चाहे ना हो, ठंड अलग ही लेवल की लगती है। तो ये है आज की अपनी अंतिम चढ़ाई, निश्नई पास। और अब जो है ना ट्रैक फुल ऑन डाउन हिल है। तो करीब 1.5 घंटे लगे निश्नई पास पहुँचने में हमें, और अभी 1.5 घंटे और लगेंगे, 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे नीचे अपने कैंप साइट पहुँचने में। तो आज का ट्रैक यार बहुत ही स्मूथ है, बहुत अभी तक तो बहुत ही स्मूथ था, और आगे भी स्मूथ ही जाने वाला है क्योंकि डाउन हिल है। तो बस थोड़ी देर और ठंड के मज़े लेते हैं और अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं और फिर चलते हैं। निश्नई पास के बाद ना क्या लैंडस्केप चेंज हुआ यार, सीरियसली हर एक मतलब मिनट के बाद मुंह से बस एक ही चीज निकल रही, पाओ। बहुत ही ज्यादा सुंदर यार, मतलब मैं कहूंगा ना जो पहला दिन है आपका ट्रैक का वो ठीक है, नॉर्मल ट्रेल है, बट आज का जो ना निश्नई से अभी हम जो जा रहे हैं, निश्नई पास क्रॉस स्पेशली
जो क्रॉस किया ना नेशनल पास, उसके बाद से जो लैंडस्केप ने एक करवट बदली है, नेक्स्ट लेवल। मतलब इतना धीरे चल रहा हूँ ना मैं, रुकते रुकते अल्टीमेट यार क्या ब्यूटी है। ये देख रहा, थोड़ा सा स्पीति टच आ रहा है, देख रहा हल्का सा स्पीति टच भी है इसमें। स्पीति के साथ साथ वो लास्ट टच किया ना बुरन घाटी, उसके जो फ्लावर्स थे सेम कुछ वैसे ही, उन दोनों का कॉम्बो होते हुए, उन दोनों का कॉम्बो है पूरा इस ट्रैक पे। हाँ वो देख रहा हूँ पीछे झरना, हर चीज़ यार, हर चीज़ है इस ट्रेल पे, पहाड़, फ्लावर्स, स्ट्रीम, माउंटेन्स, ड्राई माउंटेन्स, ग्रीन माउंटेन्स, सब कुछ है। फुल ऑन कॉम्बो है ये आज का ट्रेल, मस्त है यार। करीब अभी 30 मिनट्स का और ट्रैक बचा है अपनी कैंप साइट तक का, और व्हाट अ व्यू मैन, क्या व्यू है, मतलब लव्ज नहीं है बोलने के लिए। इतने सुंदर जो बुग्यास हैं, जो मिडोज हैं, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी यार, देख लो। और पीछे वाला जो ये माउंटेन है ना, जो ये पीक है, इतना टेम्पटिंग लग रहा मेरे को, मतलब जो लॉर्ड ऑफ द रिंग में पीक होती है कुछ वैसी ही पीक लग रही है। हर एक लोकेशन किसी ना किसी मूवी से रिजेंबल कर रहा है, मतलब एनिमेटेड मूवीज होती हैं जो, या हॉलीवुड मूवीज, कुछ वैसे ही सीन है अल्टीमेट यार। तो बढ़ते हैं अपनी कैंप साइट की तरफ और अपडेट करते हैं। विसंसर लेक और अपने केजीएल ट्रैक का पहला लेक, अल्टीमेट ब्यूटी यार। और जो कैंप साइट है वो जस्ट इसके बगल में ही लगी, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो बहुत ही सुंदर लेक है यार, मतलब ये जो पूरी सीरीज चलने वाली है ना, जैसे तारसर मारसर किया, उसके बाद ये केजीएल सीरीज कर रहा हूँ, मतलब लेक ही है इसमें, मतलब करीब 10 लेक कवर करूंगा इन दोनों ट्रैक में, तरसर मरसर और केजीएल में। तो केजीएल का तो ये पहला लेक है, तो सब एक से बढ़कर एक लेक है यार, क्या ही बोलूं इसके बारे में। तो आज का दिन का एक बार रिवाइंड कर देते हैं। तो आज का जो दिन था, मतलब 11 किलोमीटर का ट्रैक था फुल ऑन, और वही एक निश नहीं पास क्रॉस करना था, उसके बाद तो डाउनहिल। तो करीब आज कितना टाइम लगा हमें, आज लगा करीब 6 घंटे के आसपास लग गया पूरा ये कवर करने में। बाकी कैंप साइट अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे है, और बस शुरुआत हो गई है लेक दिखाने की। इस केजीएल ट्रैक का पहला लेक है विसंसर लेक। तो बस थोड़ा इंजॉय करते हैं, थोड़ा सुकून से बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, और